हाय, कोरोना लॉकडाउन मतलब घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, किचन साफ करना, सेफ्टी हाइजीन की देखभाल करना, एंड नाउ पेरेंट्स आल्सो हैव टू मॉनिटर डिजिटल क्लासेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड बहुत से पेरेंट्स इसके बारे में थोड़ा एंशियस हैं या थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं जो हमें लिख रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि सेफ्टी टूल्स क्या होने चाहिए। डोंट वरी, we've got you on this, and let me explain to you that technology is a wonderful thing. It's full of knowledge. We only have to be mindful. मैं आपको तीन टिप्स देती हूँ, अगर आप उसको अपने ध्यान में रखेंगे तो definitely you and your child both will be very very safe. Number one, don't try to be a moderator. Try the word inclusion. मॉडरेशन की जगह अगर आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई करें कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चे के साथ इंटरनेट पे स्पेंड करें साथ में, उससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, उसके फ्रेंड्स क्या हैं, उसको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं, किस तरह के गेम्स पसंद हैं, व्हाई ही और शी वॉचेस व्हाट दे वॉचेस। पेरेंट्स साथ में तो कोई टाइम ही नहीं स्पेंड करते हैं, बस बच्चे को पकड़ा दिया डिजिटल कोई टेक टूल और डिवाइस दे दिया और बोला अब जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। हैव यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड? एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने मुझे सिखाया था कि बच्चे सिर्फ दो ही तरीके से सीखते हैं, वन इज क्यूरियोसिटी एंड सेकेंड इज इमिटेशन। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके हर एक सवाल का 10 बार जवाब देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हम उनको बोलते हैं डोंट क्वेश्चन दिस, डोंट क्वेश्चन दैट, डोंट क्वेश्चन योर एल्डर्स, मेरा सर मत खाओ, 10 बार मत पूछो। वेयर विल द चाइल्ड गो? द चाइल्ड विल गो एंड फाइंड आंसर्स वेयर दे कैन फाइंड इट। बट इफ यू स्पेंड सम टाइम टुगेदर पेशेंटली, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, सेफ्टी टिप। बच्चे तो होते ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जो उनका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको किसी ऐसी जगह रखें आप घर में जो आइसोलेटेड ना हो, आते जाते कभी आपकी नज़र उनके मॉनिटर्स पे पड़नी चाहिए। सी, गुड किड्स समटाइम्स मेक बैड डिसीजंस। अच्छे इंटेलिजेंट क्यूरियस बच्चे ही कई बार बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन अगर उनको पता होगा कि आपकी नजर पड़ सकती है तो दे विल बी इवन मोर कॉन्फिडेंट एंड रीअश्योर्ड एंड केयरफुल। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, इसका थर्ड मेरी सेफ्टी टिप से बहुत गहरा संबंध है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऑनलाइन क्राइम्स जो माइनर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, उसमें जो ऑफेंडर है वो विक्टिम का कोई नोन पर्सन ही होता है, मतलब कोई चाचा या मामा या टीचर, समबडी लाइक दैट। बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो आपसे बात ही नहीं कर सकते। हाउ इज दैट पॉसिबल? यू आर अ पेरेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी एबल टू कम टू यू विदाउट एनी फियर। प्लीज टॉक टू देम अबाउट पेरेंट्स ऑफ सेक्सटिंग, अबाउट पोर्नोग्राफी, हाउ इट्स डेंजरस, about not sharing any personal information with any stranger, about not having a video chat with strangers, about feeling comfortable telling you about any such incident। Hame ye matter of fact baat karni padegi bachchon se, so that they feel confident। Agar kuch aisi baat ho bhi jaye, you are there to protect them। This is very very important। So inclusion in their activity and their interest. Number 2, please keep their study area where at least aate jaate aapki nazar mein ho. Number 3, and very important, please please teach your children critical thinking. Allow them to question things, and most importantly, let them come to you if something goes wrong. And if you practice this, I'm again going to repeat, technology is a wonderful thing. Aur koi bhi confusion ho, we are here for you. Write to us and we'll help you. Stay aware, stay safe.